योगी सरकार के कड़े निर्देश के बाद भी पुलिस का रवैया बदलने का नाम नहीं ले रहा है। एक ऐसा ही मामला बुलंदशहर के थाना अनूपशहर के गांव आनिवास में हुआ है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के थाना अनूपशहर के एक गांव आनिवास का एक व्यक्ति ने बताया कि मेरे पिता के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट हुई है, जिसमें मेरे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। रविंद्र कहाँ के रहने वाले? अनिवास। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये जी, हमारे पिताजी के साथ मारपीट हुई है। हमारे गांव के जो प्रधान पति है, श्याम प्रधान, उसने हमारे पिताजी के साथ मारपीट की है और जो उनकी बहुत बुरी हालत है। हमने इससे पहले कई बार पुलिस के लिए मतलब एप्लीकेशन दी तो तब कुछ ना हुआ। अब घटना घटी गई है 17 तारीख में, तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, हमारी मारने की हत्या की साजिश रच रहे हैं कई गांवों के लोग। आप यहाँ एसएसपी ऑफिस आए हो, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? दो दिन का आश्वासन दिया, 2 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे। और यहाँ से अलग कहाँ कहाँ रिपोर्ट दर्ज किया? इससे पहले हमने लखनऊ तक दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए, DGP को दिए, SST आयोग में। तो क्या आश्वासन आया वहाँ से? वहाँ से कुछ नहीं, रिपोर्ट उल्टी सीधी लगाई, यहाँ से वापस चली गई, कुछ नहीं। बुलंदशहर से ये थी वसीम अहमद सिद्दीकी के साथ काजल लोधी की रिपोर्ट।